हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने वापस से वही तीन सवाल लेके आई हूँ, तीन तीन क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तीन क्वेश्चंस आपके हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, और ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं ज्यादातर। यही देखो, ये क्लासेस का देखो इसके दो ही मकसद है। एक तो आपका टॉपिक रिवाइज होता है, बिल्कुल शॉर्ट में टॉपिक रिवाइज होता है, प्लस रिवीजन की रिवीजन हो रहा है। मिक्स क्वेश्चन करते हैं तो रिवीजन भी होता है आपको लोगों का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर 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 कीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का अपने क्लास को। रेगुलरली ये आपके सुबह 9 बजे आपकी अपलोड होती है क्लास, आप देख सकते हैं इसको। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट की क्लास होती है, आपको समय भी कम से कम व्यस्त आपका वेस्ट होगा और सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, हमें लिखा हुआ है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पेंट को ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेल को ये लिखा है, एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे। अब देखो, सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम ये मत करना कि सवाल पूरा पढ़ो। समझ में आ चुका है सवाल कि पेंट को हमने ये लिखा है, एक्सेल को हमने ये लिखा है, एक्सेप्ट का पूछा है, सवाल इतना ही था केवल। अब देखो, पेंट का 1 2 3 4 5, 1 2 4 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, और पूछा हुआ है 5 का। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, 4, तो ए का हो गया 4। सी सी कहीं पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, 5 और 5, 4 5 5 कहाँ पे है, 4 5 5 बस यहीं पे, कहीं और है ही नहीं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। समय कम वेस्ट करना है, एग्जाम देने जाना है हमें, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कम से कम समय वेस्ट करना है हमें, पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूछना नहीं आएगा कि आपने कैसे किया, केवल आंसर देखने आएगा आपका। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है, बॉक्स के एक्स के विपरीत, देखो पूरा सवाल पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हमें समझ में आ गया कि ओपन डाइस से पूछा क्या है, एक्स के विपरीत, सिंपल सवाल खत्म। अब देखो, सबसे पहले जब भी ओपन डाइस का आएगा तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप लोग विपरीत चेक करें। देखो माइनस के विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ के डिवाइड, डॉट के विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ के मल्टीप्लाई, और हैश के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका प्लस, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के विपरीत आपको डॉट हो जाएगा, लो सवाल निकल गया, सिंपल। एक और सवाल देखते हैं, इसमें देखिएगा ये भी आपको काफी कॉमन सवाल है जो आपके एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। हमसे बोला गया है 4 + 2 a 3 को हमने 6 लिखा है, 16 + 6 a 4 को 12 लिखा है, 24 + 3 a 7 को हमने पूछा हुआ है, यहाँ क्या आएगा, क्या करेंगे, मतलब इनका कुछ ना कुछ करके 6 लेके आना है, इनका कुछ ना कुछ करके 12 लेके आए, देखो कैसे करेंगे। देखते हैं सवाल को, 4 को अगर 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा, 2, 2 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का 6 आ गया, सिंपल। 18 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई 4 से गया, 4 3 12, समझ में आया। 24 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 24, 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, 7 8 56, 56 आपका सही आंसर है, आई बात समझ में। इन दोनों को डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी टाइप से मैं आपको कम से कम से, देखो यहाँ पे क्या चीज रिवाइज हो गई, यहाँ आपका एक बार कोडिंग रिवाइज हो गया, यहाँ आपका क्यूब सॉरी डाइस रिवाइज हो गया, यहाँ आपका मिसिंग नंबर रिवाइज हो गया, कम समय में ज्यादा चीज रिवाइज होगी, और आपको रेगुलरली एक नया कंसेप्ट के क्वेश्चन मिला करेंगे। रेगुलरली जो भी क्वेश्चन आएगा एक नया कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, कोई रिपीट कंसेप्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, दो चीजें आपके फायदे हैं, कंसेप्ट का रिवीजन और प्लस रिवीजन, क्वेश्चन की क्वेश्चन हो रहे हैं, कंसेप्ट कंसेप्ट हो रहे हैं। देखो अगर 3 दिन, अगर 3 क्वेश्चन भी रेगुलरली आप करते हो 60 दिनों तक, देखिए 180 सवाल तो ऐसे करते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे 80 अलग सवाल, सोचिए कितना सारा पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी क्लासेस, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप रेगुलर देखा करें, सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है आपकी। अगर अच्छी लगी है तो अपने बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ क्लास अच्छी है, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, वापस से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय।